वो है कि भाग दो को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले जो मैंने पढ़ाया आपको उसमें हरिवंश राय बच्चन जी के जो काव्यखंड है, काव्यखंड का जो प्रथम पाठ है वह है आत्मपरिचय। मैंने उनके जीवन परिचय के विषय में बताया और कुछ जो पद्य है मैंने आपको आत्मपरिचय के पढ़ाए। इसी के आगे के हम और पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले पांच हो चुके थे, ये सिक्स है, छठवां वाला जो पढ़ रहे हैं पद्य। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। शब्दार्थ समझिए, यत्न प्रयत्न कोशिश, नादान भोला ना समझ, दाना लाभ है ना, लोभ भोग की सामग्री, मूढ़ माने मूढ़। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग दो पाठ पुस्तक से उद्धृत है, आत्मपरिचय नामक कविता से लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम कभी अपना परिचय समाज के सामने प्रस्तुत करता। उनके अनुसार अपने आप को जानना समाज को जानने से अधिक कठिन है। अपने आप को जानना समाज को जानने से अधिक कठिन है। ध्यान से समझिए, संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। जिसे संसार में जहां भी धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है वह वही धाना चुनने में लगा रहता है। नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कभी कहता है, इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख न कहूं जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूं, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूं। इस प्रकार कवि यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा है। क्या बोल रहे हैं कि नादानी पर भूल जाते हैं कि संसार के जाल में भाई क्या हो गया, उलझ गया। कवि कहता है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या उस संसार को मूर्ख हो जो जानबूझकर क्या करते, सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में क्या होते हैं, उलझता जा रहा है। इस प्रकार इस नादानी को समझ गया हूं, इस प्रकार मैं संसारिकता का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। चलिए आगे समझते हैं दूसरे पद्य को। फिर ये मैं और जब और कहां का नाता, मैं और जब और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। शब्दार्थ समझिए, नाता संबंध रिश्ता वैभव सुख संबंधि, प्रति पग यानी हर कदम पर। प्रसंग, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आत्म परिचय से लिया गया है। व्याख्या समझिए, मैं दुनियादारी से भिन्न भावना मैं कभी हूं, संसार की चाल बिल्कुल कैसी है अलग है। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, मैं भावना को महत्व देता हूँ, अतः मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं। मैं रोज रोज न जाने कितने नए संसार रचता हूँ,
और पूरी तरह संतुष्ट ना होने के कारण उसे क्या करना, पूरी तरह संतुष्ट ना होने के कारण किससे, संसार से, नए संसार से रास्ता तो हूँ परंतु पूरी तरीके से संतुष्ट ना होने के कारण को नष्ट करा था। आशय यह है कि मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ परंतु उस कल्पना को साकार ना होते देखकर उसे मिटा डालता हूँ। यह संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख वैभव धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है। कभी यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि मैं संसार में उलझना नहीं चाहता, मुझे धन वैभव संपत्ति समृद्धि कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मैं संसार, जो संसारी लोग हैं दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं और मैं भावना को महत्व देता हूँ, उनके लिए क्या है, भावना सबसे पहले है, तो मेरा संसार से कोई मेल नहीं है, ऐसा वो कहना समझाना चाह रहे। और उनके अनुसार कि वो संसार तो रोज रोज मैं ना जाने बनते ही रहते हैं, मैं रचता हूँ परंतु मैं संसार रचनी जो संसार रहता हूँ मैं उससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं, मैं क्या करता हूँ उसको नष्ट कर डालता हूँ। और आशय यह है कि वो क्या चाहते हैं, रोज एक आदर्श समाज की, मैं मतलब वो ये चाहते हैं कि जो हमारा समाज हो, जो हमारा परिवार, एक आदर्श कल्पना करते हैं, आदर्श समाज की वो कल्पना करते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, लेकिन कल्पना करते हैं लेकिन उसको वो साकार होते जब नहीं देखते हैं तो फिर उसको वो क्या करते हैं, मिटा डालते हैं। इस प्रकार कभी यहाँ पर समझाना चाहे, यह संसार जिस धन वैभव, संसार क्या है, लोग यहाँ पर किस चीज के धन वैभव सब इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको पूरी तरीके से हटा देता हूँ, ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख वैभव और समृद्धि की कोई भी चाहत नहीं है, ऐसा यहाँ पर कभी समझाना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार से ये आपको इसके जो शब्दार्थ में प्रसंग व्याख्या है सब आप अपनी कॉपी रजिस्टर में बेटा बहुत अच्छे से लिखते जाइए। फिर है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूखों के प्रसाद छावर मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूखों के प्रसाद छावर मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ समझिए, रोदन माने होता रोना, रुदन राग प्रेम, आग जोश में आना आवेश, भूख मैंने राजा, प्रसाद महल को बोलते हैं, निछावर पुरवान हो जाना, खंडहर यानी टूटा फूटा भवन जो पूर्ण ना अपूर्ण, प्रसंग जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वह कहाँ से ली गई है, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्मपरिचय से ली गई है। आप व्याख्या समझिए, यहाँ पर कवि क्या कहता है, मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है, मैं यदि रो रहा हूं तो मेरे रोने में क्या छलक रहा है, प्रेम छलक रहा है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ, मैं अपने जो गीत है ना उसमें मैं क्या करता हूँ, प्रेम के आंसू रोता हूँ, और मेरी वाणी, मेरी जो वाणी है यद्यपि कोमल और शीतल है, कवि के अनुसार मेरे हृदय में भी प्रेम छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ, मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा है फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है, प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक निछावर कर देते हैं, उसी मूल्यवान प्रेम को मन में मैं बसाए हुआ हूँ। यहाँ पर उन्होंने प्रेम से संबंधित समझाया, क्या उन्होंने कहा कि मैं जब रो रहा हूँ तो मेरा तो रोने में भी प्रेम है
और अपने गीतों में प्रेम के आंसू भी होता हूँ। जब मैं गीत गाता हूँ तो उसमें भी प्रेम के आंसू होता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल छूटा है उसमें भी प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है, उष्मा है। मेरे जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा तो है, फिर भी उसमें क्या है गहरा आकर्षण है, क्योंकि प्रेम है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा, जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, उन्होंने अपने महल निछावर कर देते हैं, और मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुआ हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। शब्दार्थ समझिए, फूट पड़ना है बहुत आवेग से रोना, जब अंदर से कोई चीज आती है तो उसको बहुत, जैसे कहते हैं आवेग से रोना, दुख प्रकट करना। दीवाना यानी पागल, मस्त हो जाना किसी चीज में। आप प्रसंग, जैसे कि मैंने आपको समझाया, पूर्वक लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय से उद्धृत है। आप व्याख्या समझिए, कवि क्या कहता है कि जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो, वह वास्तव में मेरे हृदय का उदन है, मेरे का मेरे अंदर का दुख है। उदन माने दुख, रोना है, मेरा चीत्कार है, वह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ। मेरे अंदर इतना जो दुख है तो वह कैसे प्रेम की निराशा के कारण प्रकट हुआ है, उसको आप गाना कहते हैं। जब मैं प्रेम के आवेग से भरता पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ, तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देती कि मैं गाना गा रहा हूँ तो ये नया छंद है। छंद मैंने शब्दमात्मक जो रचना होती है, छंद होता है ना, छंद है। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन फूटा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है, दुनिया मुझे व्यर्थ ही कवि कहती है। वास्तव में तो मैं कवि नहीं, अपितु किस चीज का दीवाना हूँ, प्रेम दीवाना हूँ। मेरे हृदय प्रेम की मस्ती में लवरेज है, मेरा जो हृदय है वह प्रेम की मस्ती से लवरेज भरा हुआ है, लवालब है। किससे? प्रेम की मस्ती से। एक बात सुना समझिए, कवि के अनुसार जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो, वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, यानी रोना है, दुख है, मेरा चित्कार है, वह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ, तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन फूटा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में मैं कवि नहीं, अपितु कैसा हूँ, प्रेम दीवाना हूँ। और जो मेरा हृदय है वह प्रेम की मस्ती से लवरेज है, यानी प्रेम की मस्ती से लवा लब है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता नशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जब झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। एक बात है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का नशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जब झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ समझिए, मादकता मस्ती, नशा, निःशेष पूर्ण यानी संपूर्ण। प्रसंग जैसे कि मैंने आपको समझाया, प्रस्तुत पंक्तियां आत्म परिचय से दी गई है। कवि क्या समझाना चाह रहा है यहाँ पर? कवि कहता है कि मैं संसार में दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, जैसे लोग दीवाने होते ना, मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह कैसे विचरण करता हूँ, जहां भी जाता हूं अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूं, हसमुख बना देता हूं। मेरा मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई है, मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूं। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती
की है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में जुट जाते हैं और आनंद प्रेम में जुट जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने झूमने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ये जो कक्षा 12वीं हिंदी में जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी के, जो उनका काव्य खंड प्रथम पाठ है आत्म परिचय, उनको मैंने उनकी पंक्तियों को आपको समझाया। आप एक रजिस्टर बना लीजिए बेटा या कॉपी बना लीजिए, उसमें इसको लिखते चलिए और अब आगे की क्लास में मैं उनकी दूसरी जो इसी काव्य खंड का उनका जो दूसरा पार्ट है उसको मैं पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बच्चों पढ़ते रहिए। धन्यवाद।